आपको पता होगा कि कंप्यूटर के जो सबसे ज़्यादा अच्छी भाषा कंप्यूटर के लिए बताई गई है वो संस्कृत है। नहीं क्यों नहीं होती, आपने कंप्यूटर की बात की, मैं कंप्यूटर से जो ज़्यादा कंपेटेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा ईजी भाषा है वो संस्कृत है। वो संस्कृत अभी बाहर में से टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि नहीं बन चुकी है, टेक्नोलॉजी बन चुकी है। देखिए जर्मनी में जो कंप्यूटर चलते हैं वो जर्मन भाषा में चलते हैं, फ्रांस में जो कंप्यूटर चलते हैं वो फ्रेंच में चलते हैं, रशिया में जो कंप्यूटर चलते हैं वो रशियन में चलते हैं, पोलैंड में जो कंप्यूटर चलते हैं वो पोलिश में चलते हैं, पुर्तगाल में जो कंप्यूटर चलते हैं वो पुर्तगीज में चलते हैं। यूएस की भाषा तो पूरे विश्व में चलती ही नहीं चलती। यूएस के देखिए बंदा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कहीं पर भी जाएगा तो वो तो इंग्लिश में ही जवाब देगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये भ्रम है कि हिंदी तो भाषा वहाँ अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी जो कॉलोनी रही हैं, जो गुलाम रहे हैं, गुलाम देशों में अंग्रेजी है, लेकिन आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? भारत में आपको अंग्रेजी बाध्यता क्यों है? हमारा सवाल ये है, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, उसका एक टेस्ट होता है। यूके जाते हैं तो उसका एक टेस्ट होता है, यूएस जाते हैं तो वहाँ का टेस्ट दे के आपको जाना पड़ता है, तब वीज़ा मिलता है। लेकिन भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 125 करोड़ है, आपने यूएस का जो उदाहरण दिया, तो यूएस की टोटल आबादी 20-25 करोड़ है, उतने से तो मेरा यूपी बन जाता है। तो यूपी जैसा एक महाप्रदेश की बराबर यूएस की आप तवज्जो देकर और भारत के 125 करोड़ लोगों पर एक भाषा थोप दिए, मैं अभी जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, इन सारे प्रदेशों में आप जाकर देखिए 10वीं 12वीं में सबसे ज़्यादा जो बच्चे टेंशन में रहते हैं वो अंग्रेजी भाषा के पेपर को लेकर रहते हैं। यूपी के पुलिस वाले को अंग्रेजी आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना तो उसको फ्रांस जाना है, ना उसको अमेरिका जाना है, ना उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ना उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, जिसकी भाषा 348 अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी बना दी गई, उसके बावजूद उसको अंग्रेजी का टेस्ट देना है। लेखपाल की भर्ती होती है, उसको अंग्रेजी का टेस्ट देना है, जबकि उसका एक लाइन अंग्रेजी में नहीं है। उसको गांव वाले से बात करनी है, गांव वाले को अंग्रेजी नहीं आती। हिमाचल के जो लेखपाल है उसको अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? उसको हिमाचली आनी चाहिए, हिमाचली एक डायलेक्ट है हिंदी का। उसी तरीके से बंगाल की बात है, तमिलनाडु की बात है, हमारे देश के अंदर जो संपर्क भाषा होनी चाहिए थी कोई भारतीय भाषा हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदी रखो, हम कह रहे तमिल रखो, तमिल को आराम से आदमी सीख लेगा, क्योंकि जो संस्कृत है, संस्कृत के 60% शब्द तमिल में है, उतने ही हिंदी में है। तो एक सवाल बताइए, आप इंग्लिश से मतलब विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी वो जो थी उससे आप? देखिए सारा जो विरोध है ये पूरा का पूरा विरोध इसलिए है कि ये सिस्टम जो है अंग्रेजी सिस्टम है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसको एक्वायर किया क्वीन ने, और क्वीन ने अपने यहाँ कानून बना दीजिए, आज जितने कानून चल रहे हैं वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। इवन जिसे हम संविधान कहते हैं वो पूरा का पूरा नहीं तो कम से कम 80% वही है जो अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि 70% हिस्सा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो सारा कॉपी है, उसके बाद में इन्होंने अन्य संविधानों से कॉपी कर लिया। दूसरा एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक विजन भरा एक वहाँ भाषण दिया था जो एक तरीके से देश को दिशा देने वाला था। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत को चार चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। एक तो ये शिक्षा पद्धति जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये शिक्षा पद्धति भारत के हिसाब से नहीं है, ये केवल लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उनको नौकरी क्लर्क बनाने के लिए है, इसमें सर्वांगीण विकास नहीं है, केवल रटा। स्कूलों में भी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए? नहीं रखिए ना आप इंग्लिश, जहाँ जरूरी है वहाँ रखिए ना भाई। आप मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को एक दुकान खोलनी है और उसको 12वीं पास करनी है, उसको अंग्रेजी ग्रामर का दिमाग पर बोझ लगाने की जरूरत क्या है? एक बात बताइए, आप मेडिकल हॉस्पिटल में सबसे कह जाए कि वहाँ दवाइयों के नाम इंग्लिश में होते हैं तो क्या ये भी भ्रम है? ये भी भ्रम है। सुनो, अगर आप उसको हिंदी में रखना चाहिए तो क्या सब वो पतंजलि वाली दवाइयाँ चलेगी क्या? नहीं, हमने कब कहा पतंजलि वाली चले? तो आप इंग्लिश का क्यों ऐसे बोल रहे? देखिए इंग्लिश का नाम होने से अंग्रेजी आना जरूरी नहीं है, ऐसी कई मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने जिस यंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कैमरा बोलते हैं, तो हिंदी में भी कैमरा बोल सकते हैं। इसको माइक बोलते हैं तो हिंदी में भी माइक बोल सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत दिमाग में है कि डॉक्टर का जो यंत्र हो, ऐसा वर्ड भी नहीं है माइक का जो हिंदी में हो, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो उसी तरीके से दवाइयों का अनुवाद, नाम अनुवाद नहीं करने की जरूरत है, नाम के तो सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी ऐसे कई शब्द, ऐसे कई यंत्र, उसका नाम इंग्लिश में हिंदी रखना मुश्किल है। तो
शब्दों के जो नाम है संज्ञा क्यों बदलने की जरूरत नहीं होती किसी भी भाषा में, आप समझिए नाम क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम को नहीं बदलना है, बदलना क्या है उसकी पद्धति को। जैसे अभी जो मेन मुद्दा है यहाँ नौकरी में जो अंग्रेजी घुसी हुई है, हम ये नहीं करेंगे तुम दवाइयों से मिटा दो उसका नाम और अनुवाद कर दो, अनुवाद करने में कम समझ में आएगा। जैसे कि ज़्यादातर जगह वो अनुवाद किए जाते हैं वो अनुवाद ही गलत हो जाते हैं, तो क्लिष्टता की बात नहीं कर रहे हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच प्रशासन तक बने, न्याय तक बने, नौकरी तक बने, व्यापार तक बने, हमारा मुद्दा ये है। क्योंकि भारत केवल 2% लोगों का देश नहीं है, जिन 2% लोगों को अंग्रेजी में कहते हैं कि मास्टरी हासिल है वो अंग्रेजी बोल लेते हैं पढ़ लेते हैं उनका नहीं है, 98% देश लोगों का भी देश है या नहीं है। उन 98% के न्याय के हक की बात करना कहां से नाजायज़ है, और हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। भाई सारे लोग चुप्पी साध के हीन भावना से ग्रसित हो गए कि अंग्रेजी ही हमारे माई बाप है, लेकिन जो 98% लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक रिक्शे वाला है वो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी नहीं है, पढ़ाने को अगर EWS में किसी तरह से एडमिशन करा दिया तो वो 5,000 रुपये ट्यूशन पढ़ाने के कहाँ से लाएगा। आज जितनी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं जो मिडिल क्लास परिवारों में, उसकी वजह यही है। अगर ये इंग्लिश खत्म हो जाएगी तो भारत कैसे टेक्नोलॉजी कर पाएगा, या हम खत्म होने की बात ही नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए बात को, मुद्दा मेन क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, न्याय की भाषा स्थानीय भाषा लोक की भाषा होनी चाहिए, रोजगार की भाषा लोक की भाषा होनी चाहिए, व्यापार की भाषा लोक की भाषा होनी चाहिए। बाकी आप चीज़ मुझे बताइए कि जिसको फ्रांस जाना है, फ्रेंच फिल्म में काम करना है, उसको फ्रेंच आना जरूरी है, उसको हम कब रोक रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति न फ्रांस जा रहा है न उसको फ्रेंच दूतावास से काम है, उसको आप जबरदस्ती फ्रेंच क्यों थोप रहे हैं? वही अंग्रेजी को लेकर है भाई, जिस चीज़ में अंग्रेजी चाहिए, जैसे आपने कहा कंप्यूटर, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर की भाषा आप अंग्रेजी रखो, लेकिन हर मजदूर को तो कंप्यूटर नहीं सीखना है, आप उसको जबरदस्ती तो नहीं सिखा रहे, जिसके बाप ने बढ़ईगिरी का काम किया उसको कंप्यूटर से क्या मतलब है? अरे जब कंप्यूटर सीखना होगा तो अंग्रेजी सीख लेगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 2 महीने बहुत होते हैं, तो आप उसको 6वीं क्लास से लेके MA तक जबरदस्ती एक दबाव में काम करके उसको थोपने की जो बात है, मैं आपको न्याय का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ। आपने कहा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, क्यों नहीं? क्योंकि अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून है वो, जब आप अपने कानून हिंदी में बनाएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसका होता क्या है, उसका नुकसान देखिए कि एक आदमी कोर्ट में गया, स्थानीय कोर्ट तक तो हिंदी में काम चल जाएगा, जज भी उससे सवाल पूछ लेगा, जैसे ही मामला हाई कोर्ट में आता है वहाँ न वादी को पता है कि मेरा वकील क्या कह रहा है, न प्रतिवादी को पता है, दोनों वकील आपस में सेटिंग कर लिए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, कोर्ट वो उसको दलील दे रहे हैं जज को, जज उससे सवाल कर रहा है, वो उससे आंखों में पूछता है, मान लीजिए उसने पूछा कि क्या इसी ने किया है हत्या, बोला हाँ जी हाँ कर दो, प्रतिवादी ने हाँ कर दिया, वादी ने भी उससे पूछ रहा है, उससे जैसे चाह रहे हैं वो आपस में वकील मिलके, जो शोषण चल रहा है एक, या नौकरियों में ही आप देख लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, भारत की सेना में आज भी गरीब का बेटा कमीशन ऑफिसर नहीं बन सकता, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए। मैं 3 बार मैंने OTA गया, मैं हर बार उन्होंने इसलिए रोक दिया कि मेरे पिताजी आर्मी अफसर नहीं थे, मेरे से रिश्वत मांगी गई, मैंने कहा रिश्वत नहीं दूंगा मैं, जबकि मैं बहुत अच्छे लेवल का राष्ट्रीय स्तर का घुड़सवार रहा हूँ। वजह क्या थी, मेरे को अंग्रेजी भी आती थी, मेरी क्वालिफिकेशन लोगों से ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ अंग्रेजियत जिस तरीके से घुसी हुई है कि आर्मी के जो अफसर हैं वो अंग्रेजी जानने वाला होना चाहिए, हिंदी वाले को नहीं, जबकि आर्मी में सबको अंग्रेजी नहीं ज़रूरत है। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे इसी का है कोर्ट का, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान का अच्छे से अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा ढंग से नहीं हो सकता, वजह क्या है कि अगर उसको अंग्रेजी ढंग से नहीं आती है, ये जो अंग्रेजी दाका एक अविजात्यता पैदा हो गई है उसका हम विरोध कर रहे हैं कि अंग्रेजी ही क्यों, अगर राजस्थान का आदमी हिंदी बोल सकता है, तमिलनाडु का आदमी तमिल बोल सकता है, तो देश के लिए उसमें नुकसान क्या है? भाई लॉ को आप इंटरप्रेट ही तो करना है,
तो देश में तो इंग्लिश का भी क्या नुकसान है अगर राजस्थान का व्यक्ति बाहर जाके राजस्थान? देखिए नुकसान ये है, मैं वही बता रहा हूँ कि इंग्लिश आज के आंकड़ों के डेमोग्राफिकल अगर आप आंकड़े देखिए तो नॉट मोर देन 2% पीपल ऑफ इंडिया आर फेमिलियर विद इंग्लिश। तो ऐसी केस में 98% लोगों के हक को मार कर केवल अंग्रेजी वालों को हर चीज़ में आप वरीयता देंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आज सुप्रीम कोर्ट में कहाँ के जज ज़्यादा हैं? साउथ के। वजह क्या है? वजह ये है कि वो साउथ वाले हिंदी से विरोध के चलते अंग्रेजी में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और वो अंग्रेजी को समझते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए उनको वरीयता मिल जाती है। क्या उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, इन जगह के जो वकील या जो जज होते हैं वो उससे योग्य नहीं होते? योग्यता होते हुए भी उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आर्मी का एग्जांपल आपको दिया, आर्मी में जो आर्मी अफसर का बेटा है जिसके घर में अंग्रेजी सुबह खाने से लेकर पहनने तक अंग्रेजी चल रही है, वो तो इजीली वहाँ हो जाएगा। उससे ज़्यादा ईमानदार, उससे ज़्यादा निष्ठापूर्वक एक किसान का बेटा वो अंग्रेजी न जानने की वजह से आर्मी में अफसर क्यों नहीं बन सकता? मेरा सवाल ये है। तो ये जो सवाल है वो जनता का है, ये न्याय का पक्ष है। आपने कहा आप ठीक है, आप व्यापार का पक्ष देखना चाहते हैं, मैं न्याय के पक्ष की बात कर रहा हूँ। हम जो बैठे हैं वो न्याय के पक्ष के लिए बैठे हैं, व्यापार से हमारा मतलब नहीं। व्यापार में भी जब आपको चाइना जाना पड़ता है तो हम अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, चाइनीज आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि वो अंग्रेजी में तो आपको वो उसे भी नहीं आती, बात नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दा ये है कि जो देश भारत है, भारत की अपनी भाषा होनी चाहिए, भारत का अपना नाम नहीं है। आप एक और चीज़ देखिए, विश्व मानचित्र में पूरे ग्लोब में उठा के देख लीजिए, भारत नाम का कोई देश नहीं है। ये नाम भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये हीन भावना के कारण है। भारत आज का नहीं है, जब अंग्रेजों के बाप दादे जो इनके पुरखे थे कपड़े पहनना नहीं जानते थे, तब यहाँ हमारे यहाँ पर अच्छी अच्छी सारी कलाओं में थी। हमारे यहाँ कोट पैंट का उदाहरण आज से 2500 साल पुराना है, वो कोट पैंट आज पहनना सीखे हैं। और मैं आपको प्रमाण देता हूँ, मथुरा के संग्रहालय में चले जाइए, मथुरा के संग्रहालय के बाहर एक मूर्ति रखी हुई है कनिष्क की, कनिष्क का काल आप देखिए 2000 से 2500 के बीच में कहा जाता है। कनिष्क की वो मूर्ति ओवर कोट और पैंट पहने हुए है, तब अंग्रेजों के बाप दादे खाल लपेट के जंगलों में खानाबदोश का जीवन जीते थे। 400 साल पहले अंग्रेजों की महिलाओं को ताले में बंद करके रखा जाता था, तब हमारे यहाँ पर अपाला और घोसा बड़ी बड़ी गार्गी जैसी महिलाएं हुई जो शास्त्रार्थ करती थी। हमारे यहाँ ये पर्दा प्रथा नहीं थी, ये हुआ क्यों? ये बचाव के लिए आए। तो हीन भावना का कोई विशेष कारण नहीं है। विवेकानंद यहाँ से जाते हैं, भारत से शिकागो जाते हैं, वो पैंट शर्ट नहीं पहनते, वो ऊपर से कोट जरूर पहन लेते हैं, तब भी उन्हें स्वीकार किया जाता है। आप ये बताइए कोई अच्छी चीज़ है? विश्व उसके लिए आंखें हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। पूरे यूरोप में स्विट्जरलैंड की जो आप देखिए अर्थव्यवस्था, स्विस लैंग्वेज है वहाँ पे, वो अंग्रेजी नहीं है। ये जो भ्रम फैलता जा रहा है कि अंग्रेजी ही विकास की टेक्नोलॉजी की भाषा है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है इस मामले में।